जिला कठुआ के बसोली एडीसी द्वारा एक वकील के साथ अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन बसोली ने आज तीसरे दिन भी कामकाज बंद रखा, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हुई। कामकाज छोड़ बैठे बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि एडवोकेट कानून का संरक्षक होता है, कानून की जानकारी होने के कारण वह सदा कानून का पालन करता है, वह अपने ग्राहक का सदा साथ देता है। एडीसी द्वारा एडवोकेट के साथ जो बर्ताव किया गया है वो प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि वो आज भी कामकाज बंद रखेंगे। आज तीसरे दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, भूस्खलन जो भारी मात्रा में हुआ उसको हटाया जाए, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है। अनेकों यात्री दर बदर हो रहे हैं, सैकड़ों वाहन सड़कों पर खड़े हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है, विशेषकर यात्रियों को जो रामबन में ठहरे हुए हैं। भीषण गर्मी के बीच किसानों की खून पसीने की कमाई से लगाई हुई फसलें अब आग की भेंट चढ़ रही हैं। आग लगने के कई कारण हैं, मगर दमकल विभाग में फायर ब्रिगेड की कमी के कारण आग पर काबू सही समय पर नहीं पाया जा रहा है। इसी के चलते लंगेट में 5 घरों में भी आग लग गई और कई कनाल जमीन में लगी हुई फसल जलकर राख हो गई। रमजान के पवित्र महीने में और जुमे के दिन भी दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ आतंकवादियों से जारी है। शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को अवंतीपुरा गांव में मार गिराया है, बाकियों की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के त्रिपुरी स्थित हिंदुओं के सबसे वैभवशाल मंदिर के पास 9000 किलो से ज्यादा सोना है, यह जानकारी अधिकारियों ने दी। श्री वेंकटश्रेय मंदिर में प्रबंधक तिरुमला तिरुपति देवस्थान TTD का 7225 किलो सोना विभिन्न जमा योजनाओं के तहत देश के 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है। राज्य में खुल रहे नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 400 MBBS सीटों की स्वीकृति दे दी है। डोडा के लिए अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसा होने से बहुत लाभ यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा, खास करके जो दूर दराज इलाके के छात्र छात्राएं मेडिकल शिक्षा पाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस महासचिव व पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को सुल्तानपुर में अपनी चाची मेनका गांधी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुली गाड़ी में सवार प्रियंका के साथ उनकी बेटी मियारा, बहारिच की सांसद सावित्री बाई फूले, डॉक्टर संजय सिंह तथा पूर्व मंत्री अमिता सिंह भी शामिल थी। उन्होंने अभिवादन कर स्वागत के प्रति आभार जताते हुए वोट अपील की। इसी दौरान उनका जगह जगह गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रक्षा नीति को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने कभी भी देश की सुरक्षा नीति को गंभीरता से नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले नवंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और अब फरवरी 2019 की एयर स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति में मील का पत्थर है। इससे पहले कांग्रेस और उनके साथियों ने सुरक्षा नीति को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए अब कोई भी सरहद छोटी है, भ्रष्टाचार करेंगे और दुनिया के किसी देश में आराम से रहेंगे, ऐसा अब संभव नहीं है। भारत से धोखाबाजी करने वालों को अब उठाकर भारत लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 6 राष्ट्रीय राइफल में तैनात सिपाही मलकीत सिंह को घिरांडा थाना पुलिस ने वीरवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 3 मोबाइल, सेना की मूवमेंट डिटेल्स, कुछ फोटोग्राफ, भारतीय फौज की ट्रेनिंग मैनुअल, सेना के इलाकों की खुफिया जानकारियां और कुछ नक्शे बरामद किए गए हैं। सनी देओल अपनी फिल्मों में उनके एक्शन की वजह से पहचाने जाते हैं, फिर चाहे घायल हो, घातक हो या फिर गदर, उनका एक्शन अंदाज कमाल का रहता है। सनी देओल 62 वर्ष के हैं और आज भी अपनी फिटनेस के लिए बॉलीवुड में खास पहचान रखते हैं। सनी देओल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सनी देओल चुनाव प्रचार से फुर्सत पाकर देसी अंदाज में कसरत कर रहे हैं। पापा धर्मेंद्र ने सनी का ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है।